द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ ऑफ वे इट्स एंड पॉइंट, कोई बात नहीं, एंड पॉइंट से हो या इधर से उधर से हो, बात बराबर हो, आधे पर है ना, ये बात पता है। यहाँ से पार्टिकल जाएगा, वापस आएगा, जाए रुक नहीं पाएगा, यहाँ जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा। अब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड a/2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी के टर्म में, ई टोटल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, मीन पोजीशन से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो हाफ kx² पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, ऑसिलेट करती है, बट SSM नहीं होता है। तो हाफ k को ऐसे ही रहने तो अच्छा ही लग रहा है। kx की वैल्यू डाल दो, a² / 4, तो 1/4 हाफ kx² क्या कर रहा हूँ, हाफ kA², दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ ए। अब टोटल एनर्जी के टर्म में लिखो, टोटल एनर्जी जो होती है वो ऑसिलेट नहीं करती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज ई यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में कभी ऑसिलेट नहीं करती है। तो इसको यहाँ पर ले जाके डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा e/4 e के टर्म में, दैट इज सी ऑप्शन सही है।